आज की ये ब्रह्मचर्य की कहानी सुनने के बाद हिलाना तो दूर की बात है, हिलाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। मित्रों, ब्रह्मचर्य पहले उन लोगों को नामुमकिन लगता है जो हर दिन हिलाते हैं और इसी में जीना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है दोस्त, आप एक असली मर्द हो। सबूत दूं इस चीज़ का, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है ना, ये साफ तौर पर इस बात को दर्शाता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर ना जागरूक हो और इसको लेकर अभी से एक्शन लेना चाहते हो। आज एक ऐसे राजा के बारे में बताने वाला हूँ जिसके पास धन संपत्ति ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। वो राजा अपने रानियों के साथ उस महल में रहा करता था। पड़ोस के जितने भी राजा थे ना, वो उससे ईर्ष्या करते थे कि ये राजा कितने बड़े महल में आराम से अपनी रानियों के साथ रहता है। कुछ दिनों बाद एक पड़ोस का राजा जाता है उस राजा से मिलने के लिए। होता क्या है, जब वो जंगल से जा रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त उन्हें कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। पास जाके देखने पर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था जब उन्होंने उसी राजा को देखा जिससे वो मिलने जा रहे थे, और वो भी एक साधु के वेश में, जिसकी सुंदर रानियां, महल और संपत्ति को देखकर वो उससे ईर्ष्या करते थे। वे साधु बने महाराज के पास जाकर बैठते हैं और उनके ध्यान से उठने का इंतजार करते हैं। ध्यान से उठने पर राजा साधु से पूछते हैं कि सब कुछ छोड़कर आपने साधु बनने का निर्णय कैसे लिया? क्या आपको अपने महल, रानियां और भोग विलास की कमी नहीं खलती? इसके बिना आप कैसे रह लेते हो? इस पर साधु बने राजा ने कहा कि पहले मुझे भी सुंदर रानियां और भोग विलास सुंदर प्रतीत होते थे, पर विचार करने पर सब कुछ समझ आने लगा कि सुंदरता तो ये सारी विषय वस्तुओं में नहीं है, बल्कि उस अलौकिक शक्तियों में है, जिसके कारण मैं इनकी सुंदरता को देख पाया। यदि वो अलौकिक वस्तु ना हो तो हर वस्तु की सुंदरता का कोई मोल नहीं है, और वो दिव्य वस्तु है मेरा ज्ञान। क्योंकि जब से मुझे इसकी सुंदरता का आभास हुआ है तो शारीरिक और भोग विलास के सुख के कोई मायने ही नहीं बसते। उस साधु बने राजा की शांति, समर्पण और मुक्ति को देख कर ना हीरे मोती और महंगे कपड़ों में पड़ोसी राजा को भी एहसास होने लगा कि मुझे भी ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए।